सातवें राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और इस राउंड में 65,880 लगातार टोटल वोट इस समय हो चुकी है और इसमें से बीजेपी ने एक बड़ी बढ़त यहां बनाई है, 4,931 वोटों की बढ़त जो है वो इस समय बीजेपी बना रही है। यहां बीजेपी को मिले हैं 3,389 वोट और कांग्रेस को मिले हैं 1,636 वोट, बीएसपी नेलो गठबंधन को मिले हैं 1,944 वोट, आम आदमी पार्टी को 58, एनसीपी को 220, आजाद उम्मीदवार को 1,951 वोट मिले हैं और टोटल अभी तक जो आंकड़ा है वोट्स का वो बीजेपी का 23,618 हो चुका है, कांग्रेस का 18,687। योगी वर्सेस गोगी का ये 2020 मैच इस समय लगातार काफी गैप करता हुआ और बसपा इनेलो गठबंधन को 9,162, आम आदमी को 2,567, एनसीपी को 3,102, आजाद उम्मीदवार पंडित जी राम शर्मा को 7,369 वोट जो है वो मिल चुके हैं और काउंटिंग सेंटर के इस समय बाहर से हम आपको सारी रिपोर्ट्स दे रहे हैं। सात राउंड तक 65,880 मतदाताओं ने अपना जो वोट है वो यहाँ इस समय डाला है और कुछ ही देर के बाद लगभग स्थिति जो है वो क्लियर हो जाने वाली है, क्योंकि 10 राउंड तक यदि ज़्यादा गैप होता है तो वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो सकता। फिर बताना चाहूँगा, इस समय तक बीजेपी को 23,618 वोट मिल चुकी है, कांग्रेस को 18,687, बीजेपी नेलो गठबंधन को 9,162 और आम आदमी को 2,567, एनसीपी को 3,102, आजाद उम्मीदवार पंडित जी राम शर्मा को 7,369 जो वोट है वो मिल चुके हैं और टोटल वोट इस समय जो मतदाताओं के हैं वो है 65,880 का जो निर्णय है वो लगभग इस समय होता हुआ नज़र आ रहा है। 10-11 राउंड तक की जो स्थिति है वो धीरे धीरे कंप्लीट होती हुई इस समय आपके मोबाइल स्क्रीन पर और कुछ ही देर के बाद सब कुछ जो है स्पष्ट हो जाएगा कि योगी वर्सेस गोगी का ये 2020 मैच कहां जाकर के थमेगा। आपकी राय, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट राउंड के लिए हम जल्द आपके बीच होंगे और बताएंगे कि अब जो है क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।